नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस पे सेंटर चल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं चैट पर जब भी हम लाइव जाते हैं कि फीडे रेटिंग कैसे आती है। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद अभी भी नहीं पता है कि फीडे रेटिंग कैसे हासिल की जाती है। सबसे पहले फीडे मतलब विश्व शतरंज संघ की आधिकारिक रेटिंग। ये रेटिंग जो है ऑनलाइन खेलकर हासिल नहीं की जा सकती है, ये आपको ऑन द बोर्ड जो प्रॉपर चेस टूर्नामेंट होते हैं उसमें खेलकर हासिल की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि शतरंज में फीडे रेटिंग हासिल करना अगर आपका स्टैंडर्ड है और अगर आपका स्तर है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। करना क्या होता है, जानना क्या होता है, ये हम जो है आज सब इस वीडियो में जानने वाले हैं और मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक अच्छी रेटिंग हासिल करने के लिए दरअसल खेल के स्तर तो अच्छा होना चाहिए लेकिन आपको क्या क्या मालूम भी होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फीडे रेटिंग कैसे मिलेगी, फीडे रेटिंग क्या होती है। फीडे रेटिंग दरअसल एक पैमाना है जो कि विश्व शतरंज संघ द्वारा हर खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि उसके खेल के स्तर को मापता है। अब शतरंज में क्या है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो फीडे रेटिंग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि मसलन की दूसरे गेम में हम बात करें तो वहां पे जो रेटिंग सिस्टम होता है वो उतने मायने नहीं रखता, लेकिन शतरंज में सब कुछ रेटिंग सिस्टम से होता है क्योंकि जब आप कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो उसी के हिसाब से आपको वरीयता दी जाती है, उसी के हिसाब से आपके मैचेस आपके अपोनेंट से पड़ते हैं और हर मैच में आपकी रेटिंग बढ़ती या घटती है अगर आप ऑलरेडी रेटेड हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि फीडे रेटिंग कैसे आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको फीडे रेटेड टूर्नामेंट खेलना होगा। ये टूर्नामेंट कैसे खेलना होगा मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। भारत में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, हर राज्यों में अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अब उसमें जब क्या करना होगा आपको, कम से कम 5 रेटेड से आपको खेलना होगा और कम से कम आधा पॉइंट बनाना होगा, तब आपकी रेटिंग आने की संभावना बनती है। लेकिन आधा पॉइंट बनाने पर आ जाएगी ये कन्फर्म नहीं है। तो मान लीजिए कि आप कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, मान लीजिए आप पहला कोई टूर्नामेंट खेलते हैं और आप 4 में 0 बनाते हैं, तो याद रखें कि ये प्रदर्शन आपका दर्ज नहीं होगा। तो किसी भी टूर्नामेंट में कम से कम 3 रेटेड के खिलाफ जब आप आधा पॉइंट बना देंगे तब आपका ये प्रदर्शन दर्ज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपने पहले टूर्नामेंट में रेटेड प्लेयर से खेला और आपने मान लीजिए कि 4 रेटेड से खेल के आपने आधा अंक बना दिया तो वो टूर्नामेंट में स्कोर आपका काउंट हो गया 4 में आधा। अब मान लीजिए आपने अगला टूर्नामेंट खेला और उसमें आपको 4 और रेटेड मिले और आपने 0 स्कोर किया, तो याद रखिएगा कि ये 8 में से आधा काउंट किया जाएगा क्योंकि वो पिछले, क्योंकि आपका रिकॉर्ड चालू हो चुका है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट का चयन करें जहां पे आपको एक ही टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा रेटेड मिले। याद रखना है आपको कम से कम 5 रेटेड से मुकाबला खेलना है। अब क्या आप कर सकते हैं कि 5 में मान लीजिए कि आपने मान लीजिए किसी टूर्नामेंट में 4 ही रेटेड से खेला और आपने 4 में 4 भी बना दिया, तो याद रखिए जब तक आप 5वां नहीं खेल लेंगे तब तक रेटिंग जो है आपकी जारी नहीं की जाएगी भले ही आपका प्रदर्शन कितना अच्छा हो, ठीक है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। अब दूसरी एक बड़ी बात, ये तो हो गया कि आपने 5 रेटेड से खेल लिया, आपने आधा पॉइंट भी बनाया नहीं बनाया, ये सब अलग बात है। एक और महत्वपूर्ण बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो रेटिंग परफॉर्मेंस है मतलब रेटिंग प्रदर्शन, ये भी 1000 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। एक समय तो ऐसा था कि 2000 के ऊपर, 2200 के ऊपर परफॉर्मेंस पे ही रेटिंग आती थी, फिर 2000 से ऊपर आने पे ही रेटिंग आती थी। जब मेरी रेटिंग आई थी उस समय था कि 1800 के ऊपर ही परफॉर्मेंस होना चाहिए तब रेटिंग आएगी, फिर 1500 हो गया, फिर और नीचे गया और अब तो 1000 के ऊपर ही भी रेटिंग जारी हो जाती है, तो फीडे रेटिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होता है। अब परफॉर्मेंस को आपको ऐसे समझना है कि मान लीजिए कि आपने कुल 5 रेटेड खिलाड़ियों से मैच खेला, उनकी औसत रेटिंग 1500 है। औसत रेटिंग मतलब कि आपने जिनसे मैच खेला है उनकी रेटिंग को आपको जोड़ना है, तो 5 को जोड़ा आपने और फिर उसको 5 से भाग दे देना है तो एक औसत रेटिंग निकल के आ जाएगी। तो अब मान लीजिए कि आपने 5 से मैच खेला और 2.5 पॉइंट बनाए आपने, ठीक है। तो जो भी आपकी औसत रेटिंग है, मान लीजिए कि आपकी औसत रेटिंग 1500 है, तो वो 1500 ही आपकी रेटिंग हो जाएगी क्योंकि आपने 5 में से 2.5 अंक बना दिए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपने जो आधा पॉइंट है उससे ज़्यादा बना दिया पॉइंट, मतलब कि आपने 5 रेटेड से खेला जिनकी औसत रेटिंग 1500 है और आपने पॉइंट बना दिए 5 में से 4 बना दिए आपने, ठीक है। तो हर आधे पॉइंट एक्स्ट्रा पे मतलब ढाई के बाद आपने कितने 3 आधे पॉइंट एक्स्ट्रा किए ना, 1.5 पॉइंट एक्स्ट्रा किए, तो 60 पॉइंट आप मतलब हर आधे अंक पे आपको 20 अंक मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो अगर आपकी औसत रेटिंग थी 1500, आपने 5 में से 4 अंक बनाए तो आपकी रेटिंग होगी 1560, ठीक है। लेकिन अगर आपने रेटिंग जो आपने स्कोर जो है वो कम किया है
तो फिर थोड़ा सा ये मामला पेचीदा हो जाता है और हर आधे पॉइंट पे करीब 70-72 पॉइंट घटते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए चलते हैं फीडे की वेबसाइट पर। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर के आया हूँ विश्व शतरंज संघ मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वेबसाइट में। इस पर आप जाएंगे, फीडे रेटिंग्स एक कॉलम होता है, आप देख सकते हैं रेटिंग के अंदर कैलकुलेटर एक कॉलम होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये रेटिंग कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है कि ये एक चीज़ है ये रेटिंग चेंज का, मतलब जिनकी ऑलरेडी रेटिंग है वो कैसे बदलती है वो तो लोगों को पता है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अपन इनिशियल रेटिंग मतलब जो सबसे पहले रेटिंग आती है उसको कैसे करेंगे तो उस पर हम क्लिक करते हैं और जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है एवरेज अपोनेंट रेटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कि आपने 5 खिलाड़ियों से खेला और सबकी औसत रेटिंग सब मतलब जितनी भी सबकी रेटिंग थी उसको मिला करके औसत रेटिंग जो है वो 1500 है, तो मैं यहाँ पर 1500 जो है वो डाल देता हूँ। अब मान लीजिए कि कितने पॉइंट स्कोर किए, तो जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि मान लीजिए 2.5 स्कोर किए हैं 5 में से, आपने 5 गेम यहाँ पे डालने हैं, 5 गेम में से आपने 2.5 पॉइंट, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये आप 9 भी हो सकता है, आपने 16 मैच भी खेले हो सकते हैं एक रेटिंग लिस्ट में, तो ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि कम से कम 5 में का क्या होगा। तो अभी आप देखिए मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट इनिशियल रेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 1500 रेटिंग का रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1500 लिख करके आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका एवरेज ही 1500 था और आपने ठीक आधा स्कोर किया। अब मान लीजिए इस पे अपन सिर्फ आधा पॉइंट बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 20 अंक जोड़ के आ जाएंगे तो 1520 हो जाएगी। अब मान लीजिए 3.5 कर देते हैं पॉइंट, आपने 5 में से 3.5 पॉइंट बनाए तो 1540 आपकी रेटिंग हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने 4 पॉइंट किए तो 1560 हो जाएगी, 4.5 किए तो कितनी हो जाएगी, 1580 रेटिंग आपकी हो जाएगी, और अगर आपने 5 खेले और 5ों को हरा दिया 1500 एवरेज आ रहा है तो आपकी रेटिंग 1600 आएगी। तो ये एक औसत पैमाना, अभी आप इसको कितना भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि अब इसको आप तरीके से, इससे क्या फर्क पड़ता है आप कितने रेटेड के खिलाड़ियों से खेले हो। अगर मान लीजिए कि आपने 2000 औसत रेटिंग के खिलाड़ियों से खेल के 5 पॉइंट किए हैं 5 में 5, तो आपकी रेटिंग 2100 आएगी। तो ये एक्चुअली इस पर डिपेंड करता है कि आप, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे टूर्नामेंट चुनिए ताकि आप अच्छे खिलाड़ियों से मैच आपके पड़े और आपका स्कोर जो है उसका मायने रखे। इवन अभी आप यहाँ पे देखिए अगर 2000 रेटिंग के खिलाड़ियों से आपने 2.5 भी किए 5 में तो रेटिंग कितनी आएगी, 2000 आएगी। तो ये एक पैमाना है दोस्तों। अब जैसे कि वापस उसी कैलकुलेशन पे चलते हैं कि 1500 आपका औसत है और अब आप मान लीजिए कि 2.5 से नीचे कर रहे हैं मतलब आधे से अंक स्कोर कर रहे हैं, तो अभी देखिए ये थोड़ा सा समझना, ये नुकसानदायक होता है। आपने 5 में से 2 पॉइंट स्कोर किए, क्या होगा, 72 औसत रेटिंग में से माइनस हो जाएगा, मतलब जो एवरेज है उसमें से 72 माइनस होकर रेटिंग आएगी 1428 अगर आपने 5 में से 2 पॉइंट बनाए। अब देखिए इसको आप जितना कम करते जाएंगे, अगर मान लीजिए आपने 1.5 पॉइंट बनाए तो क्या होगा, 1351 हो जाएगी, मतलब 149 माइनस हो जाएगी, मतलब 75 के आसपास का रेट रहता है आधे पॉइंट पे मेरे ख्याल से। अब मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक अंक किया, 5 में से सिर्फ एक बनाया 5 रेटेड से खेल के, औसत लेकिन 1500 है, ठीक है, तो रेटिंग अभी भी रिलीज होगी लेकिन देखिए 240 माइनस हो जाएगी तो 1260 आएगी। अब मान लीजिए कि आपने जो मिनिमम है आधा पॉइंट स्कोर किया 5 रेटेड से खेल के, आपका एवरेज चूंकि 1500 है, रेटिंग अभी भी रिलीज होगी लेकिन रेटिंग आएगी 1134। लेकिन अब इसमें यह भी जरूरी है कि 5 में आधा आप बनाते हैं तो आपका औसत बहुत अच्छा होना चाहिए फिर, मतलब आपने जिन रेटेड से मैच खेला उनकी रेटिंग ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उनकी रेटिंग कम है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि उनकी औसत रेटिंग 1350 हो रही है जिनमें 5 में आपने खेला और आधा पॉइंट किया, तो क्या होगा, रेटिंग आपकी रिलीज नहीं होगी क्योंकि आप देखिए आपका परफॉर्मेंस 984 पहुंच जाएगा। मिनिमम मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने खोज के निकाला कि मिनिमम आपका औसत 1366 होना चाहिए और आपने 5 में अगर आधा किया है 1366 आपका औसत आ रहा है तो आपका जो कैलकुलेट रेटिंग है वो 1000 रिलीज होता है। लेकिन मुझे लगता है ये सबसे मिनिमम है और 1000 रेटिंग कभी भी जा सकता है, एक भी मैच आप हारोगे तो रेटिंग चला जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आपका एवरेज अच्छा हो, एवरेज बहुत अच्छा ना हो, जैसे यहाँ पे 0.5 है, एवरेज बहुत अच्छा ना हो तो कम से कम आपका स्कोर अच्छा हो, स्कोर अच्छा होगा तो रेटिंग जो है अपने आप देखिए अच्छी आएगी यहाँ पर। तो औसत और औसत परफॉर्मेंस करना, ना सिर्फ रेटेड से खेलना उनसे स्कोर करना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि मिनिमम हमें तब जाना चाहिए कि अगर आप ये सोच के जाओगे ना किसी टूर्नामेंट में, अरे कम से कम आधा तो मैं बना ही लूंगा, तो यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत खराब होने वाला है। तो किसी भी टूर्नामेंट में इस तैयारी के साथ जाइए कि आप जिस भी एवरेज के खिलाड़ियों से खेलते हैं कम से कम आप ठीक ठाक स्कोर करें, 2-3 अंक बना लें तो आपकी रेटिंग जो है वो अच्छी आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको ये सब समझ में आ गया होगा फिलहाल की रेटिंग कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे रिलीज की जाती है। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कम से कम 5 रेटेड से खेलना होगा
औसत आपका जो है वो जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो आपका वो 1000 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपकी रेटिंग जो है वो रिलीज होगी। अब ये जानेंगे कि ये फीडे रेटिंग टूर्नामेंट कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं। अब आप टूर्नामेंट में कैसे खेल सकते हो, देखिए टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन आपको अपने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की वेबसाइट पर मिलेगी। और फिलहाल तो देखिए 2020 में तो टूर्नामेंट्स हो ही नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, 2019 पे एक नज़र डाल लेते हैं तो आपको पता लगेगा। जैसे कहीं पे भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे लिस्ट पढ़नी होगी। तो देखिए सबसे पहले जैसे आ रहा है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन 2019, तो ये टूर्नामेंट में भी आप इस पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करते इनकी जो टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन है वो निकल के जो है वो बाहर आ जाती है। जैसे और नीचे जाते जाएंगे तो चेन्नई इंटरनेशनल आपको दिख रहा है, ये बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिसमें आप इनमें भाग लेके आपकी रेटिंग जो है उसकी संभावना अच्छी रहेगी। फिर आप देखिए रैपिड की भी है, रैपिड की रेटिंग भी अलग होती है ब्लिट्स की, तो अलग इसमें बहुत साल भर में जितने टूर्नामेंट होते हैं सबकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इवन जैसे देखिए फीडे ट्रेनिंग सेमिनार जैसे दिल्ली का खुल गया जैसे हम जो क्लिक कर रहे थे, इनका इन्फॉर्मेशन डाउनलोड बाउचर आप यहाँ से कर सकते हो, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी अल्टीमेटली। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, बात यह है कि अगर आपको फीडे रेटिंग हासिल करनी है तो आपको इन टूर्नामेंट्स में भाग लेना होगा। भाग लेने की रेगुलेशन तो वो है आपको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपकी फीडे आईडी भी वहीं से जारी हो जाती है, तो टूर्नामेंट खेलने के पहले जो है आपकी फीडे आईडी बन जाएगी और फिर आप प्रॉपर टूर्नामेंट खेल सकते हैं। बस इतना याद रखें कि ये टूर्नामेंट आपको प्रॉपर टूर्नामेंट मतलब ऑन द बोर्ड खेलने होंगे, ये ऑनलाइन नहीं हासिल किया जा सकता है, ये सिर्फ प्रॉपर खेलकर हासिल किया जा सकता है। नियम मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब आपके को करना क्या है, आपको करना है अच्छे से तैयारी, फिर जैसे ही कोरोना खत्म होता है एक अच्छा सा टूर्नामेंट ढूंढिए और अपनी तैयारी के साथ उस टूर्नामेंट को खेलिए, और अगर आपका स्टैंडर्ड होगा तो आपकी भी फीडे रेटिंग जो है दोस्तों आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, आपको समझ में आया होगा और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही साथ हिंदी भाषा में अगर आप सहयोग करना चाहते हैं किसी तरह का तो आप मेंबर भी बन सकते हैं, साथ ही साथ नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।